गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग जो है इसलिए देना जरूरी हो गया बिकॉज इन द डेथ केस, जो मिस्टीरियस डेथ केस है तुमी गांकक जी का, लेट गांकक, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, उनका जिस तरह देहांत हुआ उसके ऊपर आज तक का जो प्रोग्रेस है उस पर काफी डिस्कशन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे। तो हमारे तरफ से भी हम ब्रीफ नहीं कर पाए क्योंकि हमें लगा कि कोई इतना खास सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है। फिर भी टाइम गैप को देखते हुए लास्ट ब्रीफिंग ऑन ले तुमी गंका केस वाज ऑन अप्रैल 29, 2023। अप्रैल 29 के बाद ना सरकार के तरफ से ना हमारे तरफ से कोई ब्रीफिंग हुआ है। आज मैं फिर से फैमिली के तरफ से आ रहा हूं और इसका भी मैं अपना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, इसका भी अपना एक संदर्भ है। तो बिफोर आई स्टार्ट ब्रीफिंग ऑन और अपडेट्स आपको देने से पहले, मैं सबसे पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट सही तरह रख देता हूं कि ये जो केस है इस पे मैं पहली बार अप्रैल 29, 2023 को आपके सामने अरुणाचल प्रेस क्लब में अपीयर हुआ था। ये कारण ये था कि वी नेवर वांटेड दिस इश्यू टू बी पॉलिटिसाइज। वही कारण था कि हम एज अ वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टी रहने के बावजूद भी हम कभी सामने नहीं आए। मगर अप्रैल 12 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके GWS के तरफ से, उसके बाद अरुणाचल पुलिस के तरफ से 13-14 को जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ और अप्रैल 27 को जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, उसके चलते अप्रैल 29 को मैं फैमिली मेंबर के तरफ से एज अ पार्ट ऑफ एज अ मेंबर ऑफ बेगम क्लैन, जो गमलिन गंकक जो क्लैन है उसके तरफ से एज अ फैमिली रिप्रेजेंटेटिव में प्रेस क्लब पे आपके सामने रूबरू हुआ और केस उस वक्त का जो भी केस का डेवलपमेंट था मैंने आपको ब्रीफ करा आप सब जनताओं को। उस दिन के बाद आज तक तुमी गंकक केस के ऊपर ना सरकार के तरफ से ना हमारे तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, ना GWS ना कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हुआ है। तो लास्ट प्रेस ब्रीफिंग आल्सो लाइक आई सेड ऑन अप्रैल 29, 2023 एट द अरुणाचल प्रेस क्लब, उस वक्त जिस तरह मैंने कहा था कि मैं परिवार के तरफ से आपको ब्रीफ करने फिर से दोबारा आज सामने आया हूं। I am neither here as a representative of Galo Welfare Society nor as the representative of Kargu Kardi Welfare Society, but I'm here once again, just like the last time, I'm here as the representative of the family members. So, April 29 ke baad, Galo Welfare Society, agar nunu, sorry. June 19, 2023 को हमारे जितने भी गालो समाज के MLAs है, विधायक है, वो और हमारे GWS के जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स है, प्रेसिडेंट श्री मार्नियात, जनरल सेक्रेटरी श्री न्यादर लोया, इन लोग के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खंडू को मिला June 19, 2023 को, और उसमें हमारे तरफ से परिवार के तरफ से मेमोरेंडम सबमिट हुआ और परिवार के तरफ से मेमोरेंडम को मैंने ही ड्राफ्ट करा था विद द कंसल्टेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और उसमें हमारा चार डिमांड थे, तीन मुख्य, 3+1। सबसे पहले तो हमने डिमांड रखा वन कमीशन इंक्वायरी अंडर कमीशन इंक्वायरी एक्ट 1952, दूसरा केस को
SIC से ट्रांसफर करके SIT में देने को, और उसके अंदर हमने ये रखा था कि नंबर 3 टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ 2017 APCS कैंडिडेट्स हुज 4 सिग्नेचर्स ऑफ अवार्ड शीट्स वेयर टू बी वेरीफाइड बाय लेट कंकाक ऑन द फेटफुल डे ऑफ फरवरी 22nd and 23rd 2023। और 4th जो डिमांड हमारा GWS के माध्यम से हम फैमिली मेंबर्स ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रखा था वो था रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर अगेंस्ट लेट तुमी गांका। तो ये हमारा 4 डिमांड था। फिर भी इसमें से मुख्य तौर पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो रखा था हमने, इसे अगस्त 17, 2023 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर वॉज इश्यूड टू कंस्टिट्यूट अ वन मैन इंक्वायरी कमीशन हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड HK शर्मा ऑफ द ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो ये हुआ अगस्त 17 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के तरफ से। और फिर इससे पहले जुलाई 18 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने ऑर्डर इश्यू करा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, दैट वाज ऑन जुलाई 18। फिर अगस्त 17 को एक ऑर्डर इश्यू हुआ कि ये जो जुलाई 18 को जो ऑर्डर निकला था वो जो वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी होगा उसको जस्टिस रिटायर्ड HK शर्मा लीड करेंगे। ये रहा हमारा वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो डिमांड नंबर 1 का फुलफिलमेंट। और डिमांड नंबर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम SIC टू SIT, इसको हमारे अरुणाचल सरकार ने फुलफिल करा जुलाई 13, 2023 को। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि ट्रांसफर ऑफ रेलिवेंट केस पर्टेनिंग टू डेथ ऑफ लेट तुमी गंकाक फ्रॉम कैपिटल पुलिस टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये हो गया। और इस बीच और ये भी हुआ कि जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था कि जो 2017 के APCS कैंडिडेट जिसका 4 सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करना था उसको हमने SIT के साथ मर्ज कर दिया सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द SIT's इन्वेस्टिगेशन। तो इफेक्टिवली टेक्निकली हमारा रह गया डिमांड 3, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, SIT एंड रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ लेट कांका। और इस बीच गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने भी मिस्टर लेट कांका का सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। तो मोरल तो हमारा ये कहना है कि जो भी हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू फैमिली का जो भी डिमांड था गवर्नमेंट ने उस वक्त फुलफिल कर दिया। हाउएवर लगभग सितंबर 16th इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक दो दिन का इधर उधर हो सकता है, सितंबर 16th को जस्टिस शर्मा ने ही अज्यूम चार्ज ऑफ द ऑफिस एज द ऑफ द वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी। और उस दिन भी हम परिवार वाले इंक्लूडिंग द विडो ऑफ लेट गंकाक श्रीमती तोमी गंकाक सहित हम परिवारजन जस्टिस शर्मा से भी मिले और उनसे भी हम लगभग 2 घंटे का डिस्कशन करा ऐसा। और उसके बाद वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो जस्टिस शर्मा के ऑफिस से भी अक्टूबर 15-16 को एक ऑर्डर निकला, एक नोटिफिकेशन निकला इनवाइटिंग कि कोई कंप्लेन करना चाहता है, कोई भी प्रूफ देना चाहता है किसी के खिलाफ भी, वो उन्होंने एक ऑर्डर इश्यू करा न्यूज़पेपर में। इट वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड इन द लीडिंग पेपर्स ऑफ अरुणाचल एंड अकॉर्डिंगली एज फैमिली मेंबर्स वी सबमिटेड आवर रिप्रेजेंटेशन, वी सबमिटेड आवर डॉक्यूमेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स की तरफ से हम 5-6 जनों ने जो भी सबमिट करना है वो भी हमने 31 अक्टूबर तक एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमने सबमिट कर दिया है। ये रहा
वन मैन कमीशन का अपडेट्स। और इस बीच जब व्हेन सस्पेंशन रिवोक हो गया है तो वी वांटेड दैट फैमिली मेंबर्स जो लेट गंगक के जो वाइफ है उनको भी उनका जो पेंशन फंड्स वगैरह है ग्रेच्युटी पीएफ वगैरह है उनको एक्सेस करने देना था, तो हमने अप्रोच करा। तो इस बीच हमें पता चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट को एक लेटर गया था कि लेट गंगा के वाउचर क्लेम के अगेंस्ट में अबाउट 13.8 लाख का रिकवरी अमाउंट बाकी है, तो उस कारण पेंशन को भी रिलीज नहीं कर पाया। और तो हमने दोबारा वी मेट द डेप्यूटी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट ऑल द थ्री ऑफिशियल्स वेर वेरी काइंड। उन्होंने पूरा हमारा बात सुना और हमने फैमिली मेंबर्स के तरफ से हम डॉक्टर गोतो गंगकक, मैं खुद जारकुम गामलिन और लेट तुमी गंगकक के विडो जो विधवा है श्रीमती तोमी पोतम पोयम गंगकक, तोमी पोयम गंगकक, हम लोग सब गए और डेप्यूटी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस सबसे मिले और उन्होंने भी सहयोग करा। और उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंटली वी फाइनली मेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल ऑन दिसंबर 27th और उनसे भी उनसे अपॉइंटमेंट लेना उनसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि एक जो 13.8 लाख का जो लायबिलिटी है वो जब तक क्लियर नहीं होता है तो उनको पेंशन फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, फैमिली को दिक्कत हो रही थी, विच इज प्रैक्टिकल, हम छुपाएंगे भी नहीं, हमें बताने में कोई हर्ज भी नहीं, कोई शर्म भी नहीं, हम बता रहे हैं बिकॉज दैट इज हिज राइटफुल क्लेम। तो उनको जो फैमिली को जो मिलना है वो मिल नहीं रहा था, तो हमने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया कि सिचुएशन ये है और एक रिक्वेस्ट भी करा कि मुख्यमंत्री को हम परिवार जन के तरफ से कि 13.8 लाख रुपए इनको इट शुड बी केप्ट असाइड टिल द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। और हमारे तरफ से भी हमने एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब सरकार को दिया एक कि गंगकक ने कहां कहां पेमेंट करा, कहां कहां से वाउचर कलेक्ट नहीं करा, हमने किस इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है, नाम क्या है, नंबर क्या है, सब दिया। और हमने खुद फैमिली के तरफ से हमने जो भी वेरिफिकेशन करा उस मुताबिक हमने भी अपना क्लेम दिया, काउंटर क्लेम जो डिपार्टमेंट का पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया, वो भी तथ्य जो भी है वो हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उनसे एक रिक्वेस्ट करा कि ये जो इंक्वायरी है वो चलता रहेगा मगर फैमिली मेंबर को पेंशन फंड को एक्सेस करने देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट से फाइल को मंगा लेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर निकालना है वो निकाल देंगे। एंड ही सेड कि मुख्यमंत्री ने भी हमें अश्योर करा, ही अश्योर्ड अस कि फैमिली शुड नॉट बी डिनाइड द राइटफुल क्लेम ओवर द रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, सब मिलना चाहिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल। और दूसरी बात, एसआईटी का जो केस का प्रोग्रेस है, सिटी पुलिस से एसआईटी में ट्रांसफर तो हो गया लेकिन इस बीच जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया श्रीमती मोनी बसार कमदा डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जो एसआईटी में तैनात थे उनको जिनको आयो बनाया गया था इस बीच उनको भी ट्रांसफर कर दिया एंड शी हैज बीन आई बिलीव ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट व्हिच इज एसडीआरएफ। तो अब केस कहीं आगे नहीं जा रहा है, तो हमने ये बात भी मुख्यमंत्री के सामने अवगत कराया कि केस आगे नहीं बढ़ रहा है, सिटी पुलिस से ट्रांसफर तो हो गया एसआईटी को बट देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ द केस, सो हेंस वी नीड अ प्रॉपर न्यू ऑफिसर, न्यू आयो, रेस्पॉन्सिबल आयो। इनफैक्ट हमने फैमिली के तरफ से मुख्यमंत्री को 27 दिसंबर को कहा कि आइडियली विद फैमिली मेंबर्स हम जो परिवार जन हैं हम चाहते हैं कि ये केस को एसआईटी के पास रहे, फिर भी एक आईपीएस ऑफिसर को दिया जाए
जो अरुणाचल प्रदेश का ना हो, तो मुख्यमंत्री ने भी तुरंत डीजीपी को फोन करा और ही अश्योर्ड अस दैट अ न्यू आईओ वुड बी गिवन एट द रैंक ऑफ आईपीएस, जो डायरेक्ट रिक्रूट है, जो बाहर से होंगे, हु विल हैव अ अनबायस्ड लुक एट द केस। ये हो गया एसआईटी का अपडेट। और तीसरी बात, हमने ये भी रखा कि एक जो नया पॉइंट है हमारे तरफ से, फैमिली के तरफ से, हमें भी लग रहा है कि केस लंबा चलेगा, इट्स अ क्रिमिनल केस, तो उसको देखते हुए हमने फैमिली की तरफ से भी मुख्यमंत्री को, मैंने स्पेशली कहा कि दिस अ नीड, ऐसा तो होता ही है जब इन सर्विस वाले मरते हैं तो एक जॉब कॉम्पनसेशन दिया जाता है, तो फैमिली को भी देना चाहिए, और अदरवाइज लाइक जैसे 29 अप्रैल 2023 को मैंने बताया था, आज भी मैं कहूंगा कि एक ज्वाइंट फैमिली है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विडो है, इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन लाइफ, सो देयरफॉर देयर इज अ नीड कि फैमिली को एक जो फैमिली का जो दर्द है उसको एलिवेट करने के लिए एक जॉब कॉम्पनसेशन दिया जाए, एंड गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट, एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अश्योर्ड अस दैट ही विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर एंड वुड सपोर्ट द डिमांड्स प्लेस्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। तो ये रहा आज तक का एसआईटी में जो हो रहा है उसका अपडेट। वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मेरे ख्याल से इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड फ्रॉम द फैमिली साइड वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट, ऑल आवर स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स टू द वन मैन कमीशन, और शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी दिया होगा, सो विल वेट फॉर द रिपोर्ट। और जहां तक पेंशन का है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस जो सरकारी तरीके से जो चलता है, बट गवर्नमेंट हैज बीन काइंड इनफ टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट एंड अश्योर अस दैट कि 13.8 लाख के लायबिलिटी को साइड में रखते हुए गवर्नमेंट वुड ट्राई टू सेटल द पेंशन और पेंशन फंड एंड ग्रेच्युटी फंड। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट देयर हैज बीन लॉट ऑफ प्रोग्रेस, however we are yet to see the conclusion, or is beech main ye bhi acknowledge karna chahunga ki without the support, without the effort of the political leaders and magnanimity of jo dildari hai, जो मैग्नानिमिटी जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जो दिखाया है, उसके बगैर हमारा जो वन मैन कमीशन इंक्वायरी हो नहीं सकता था, तो बिकॉज इट नीडेड द रेजोल्यूशन शुड हैव बीन पास्ड इन द असेंबली, तो उन्होंने अर्जेंसी को देखते हुए, केस के जो सीरियसनेस को देखते हुए, विदाउट एक्चुअली द असेंबली सेशन, उन्होंने एज ए स्पेशल केस जो वन मैन कमीशन दिया, उनके लिए, उसके लिए भी हम फैमिली वाले वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, टू द चीफ, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर, और स्पेशली आज मैं इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है बिकॉज द लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट केस बींग कॉम्प्रोमाइज विच इज नॉट करेक्ट। लेट मी टेल यू, बहुत लोग कह रहे कि केस कॉम्प्रोमाइज, नो वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज फैमिली मेंबर्स, एज फैमिली मेंबर्स वी आर स्टिल परस्यूइंग, वी आर सीकिंग जस्टिस, वी आर परस्यूइंग द मैटर, वी आर कीपिंग टैब्स ऑन द डेवलपमेंट्स, व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो मैं इतना अश्योर करना चाहूंगा और सब जनता से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फरवरी 18 को भी हमने, हमारे तरफ से, फैमिली की तरफ से ये बात रहा है, और अप्रैल 29 को भी रहा है, और उसके बाद भी हम जहां भी जाते हैं हम कहते रहते हैं दैट नोबडी शुड पॉलिटिसाइज द डेथ ऑफ तुमी गंगा, दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और जिसका आज भी हम, वी आर सीकिंग जस्टिस, वी वांट टू नो द ट्रूथ बिहाइंड हिज डेथ, व्हाट लेड टू हिज डेथ, किस कारण वो मरा, किस लिए मरा, किसने मारा, क्यों हुआ,
हम सब जानना चाहते हैं. सो देयरफॉर टू से कि फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो गया, व्हिच इज एब्सोल्यूट लाई, किसी अफवाह पे आप लोग ना जाए. और ये कहना कि ये अफवाह फैलाना कि फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर गया, केस को छोड़ दिया, नहीं. हम फैमिली, हम परिवारजन केस को नहीं छोड़ा है, हम परसू कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं. एंड वी होप टू गेट जस्टिस फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, वी होप टू गेट जस्टिस फ्रॉम द वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, वी होप टू गेट जस्टिस फ्रॉम द एसआईटी इन्वेस्टिगेशन. एंड वी होप एंड प्रे, फर्वेंटली प्रे, कि इन लोग सिंसियरली सीरियसली एसआईटी भी इसके सीरियसनेस को देखते हुए, विदाउट शोइंग एनी लैक्सिटी इन द केस, इसको तुरंत, क्योंकि अभी केस ट्रांसफर क्या हुआ, अब ऑलमोस्ट जुलाई को ट्रांसफर हुआ, आज दिसंबर हो गए, देर हैज बीन नो एफर्ट, नो रिजल्ट. सो देयरफॉर वी होप दैट गवर्नमेंट वुड लिसन टू अस एज प्रॉमिस्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑन 27th ऑफ दिसंबर 2023, अ वीक अगो. आई होप चीफ मिनिस्टर वुड अगेन स्पीक टू द डीजीपी एंड वुड इश्यू एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू आईओ. तो इन चंद शब्दों के साथ मैं फिर से सभी आम जनता, आम अरुणाचल के लोगों को, वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज सपोर्टेड द फैमिली मेंबर्स, हु हैज स्टूड बाय अस ड्यूरिंग दिस ट्राइंग टाइम, एंड नॉट टू फॉरगेट द सपोर्ट, द एफर्ट, जो जिस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वन मैन कमीशन, हमको ऐसे ही नहीं मिलते अगर हमारे पॉलिटिकल क्लास हमको सपोर्ट नहीं करता. I don't want to politicize by naming few. और suspension, revocation ऐसे ही नहीं होता जब हमारा political class हमको support नहीं करता. दुख दर्द, family के दुख दर्द को देखते हुए जो support करा, we acknowledge it without naming anybody. Therefore, also हमने बार बार सभी को request करा है कि family के दुख दर्द को politicize नहीं करे, कोई exploit नहीं करना चाहिए. आज भी मैं उस जो हमारा statement था, मैं उस पर कायम हूं. मैं हर किसी से, समाज के हर वर्ग से, शुभचिंतक हो या ना हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे दरख्वास्त करता हूं कि किसी के दुख दर्द को पॉलिटिसाइज नहीं करे, कोई एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए. एंड फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, फैमिली को एक रिलीफ मिलना चाहिए. और एटलीस्ट पीपल हुएवर इज ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज, प्लीज कम एंड विजिट द फैमिली मेंबर्स, हैव अ लुक एट द फाइव स्मॉल चिल्ड्रन before politicizing it, before trying to take advantage of family's pain and trauma. Kisi ke dukh dard ko, jo trauma ko exploit nahi karna chahiye. Main sabse guzarish karta hu aur fir se dobara binti karta hu haath jod kar ki is waqt apne benefit ke liye ya kisi ke benefit ke liye, let's not hurt the sentiments of the family members. Inhi chand shabdon ke sath main aap sabko धन्यवाद करता हूं. और इफ नीडेड भी, इफ दोबारा कुछ भी अच्छा ऐसा डेवलपमेंट होता है कि लगता है कि हमें ब्रीफ करना है, विल कम एज अ फैमिली मेंबर्स. एंड समाज के तरफ, हमारे जो सोसाइटी है उनके तरफ से भी उनको कुछ बोलना बोलेंगे. लेकिन लाइक आई सेड ऑन 29th अप्रैल, आई एम स्पीकिंग एज अ फैमिली मेंबर, एज अ वन हु हैज बीन फॉलोइंग अप द मैटर. बिकॉज 29 अप्रैल के बाद जब से मैं केस में जुड़ा हूं, तब से जितने सारे अपॉइंटमेंट्स है, सेक्रेटरी हो या कमिश्नर हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो या वन मैन कमीशन के वहां हो, मैं अपॉइंटमेंट्स सीएम साहब के वहां हो, कहीं भी हो, मैं खुद लेता हूं, खुद टीम को लेके जाता हूं, खुद परिवारजन को लेके जाता हूं. तो एज अ फैमिली मेंबर, इट्स अ वेरी ट्राइंग टाइम फॉर अस, हमारे लिए बहुत अभी भी दुख का समय है, खत्म नहीं हुआ है. और हम वर्किंग हार्ड टू गेट जस्टिस, तो हम चाहेंगे कि ऑल ऑफ यू शुड सिंपथाइज विद अस, एम्पथाइज विद अस, हमें साथ देना चाहिए. और आपको, आपके पास भी कुछ जानकारी हो, शेयर करना हो, हमारे साथ शेयर कीजिएगा. फिर से अपील करता हूं और आप सबको तहे दिल से फिर से फॉर धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय निकाल के हमारे बात सुन दे रहे हैं और हमारे बात को इज्जत रख देंगे, ये समझ के मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू.